तो नमस्कार दोस्तों जी, आज आ गया हूँ जी कहाँ पे, ऊपर आप देख सकते हैं, नाम दिखाओ एक बार। बीकानेर मिष्ठान भंडार पे, और आए हैं जी कहाँ पे, इंद्री में आए हैं, इंद्री हरियाणा में। ठीक है, तो आज आपको अलग अलग चीज़ की जो है वैरायटी दिखाते हैं इनके पास, क्या क्या है। चुकंदर अनार है, चुकंदर और अनार मिक्स है। ठीक है, पेड़ डल गई चुकंदर, वाओ देखने में मतलब काफ़ी खूबसूरत लग रहा है, बढ़िया लग रहा है देखने में एकदम। वाओ, ये चाट मसाला, ठीक है, खूबसूरत। और इनके पास जो है आटे वाले गोलगप्पे भी और सूजी वाले भी है, पानी के साथ भी ले सकते हो, भरवा भी बनवा सकते हो। ये डोसा लग रहा है, ये किस चीज़ का पेस्ट होता है भैया? चावल है। चावल? चावल है। चावल और दाल है, उड़द की। चावल और उड़द की दाल से बनता है। ठीक है, लहसुन की चटनी। ये है मसाला, ये है जी मसाला डोसा, और ये मसाले डोसे का मसाला। ये इसमें क्या क्या मिक्स है? आलू है और प्याज है, मटर है। ये मतलब देखने में मतलब सीन बहुत बढ़िया लग रहा है, देखने में ही कलरफुल लग रहा है काफ़ी। ये हो गया, बन गए? हाँ बन गए। तो ये रेडी हो चुका है जी बनके। अच्छा, ट्रायंगल में करते हैं इसको, वैसे नहीं लपेटते? रोल वाला भी लपेटते हैं। अच्छा, मतलब वो अपने ऊपर बात होती है, कोई सा मर्जी स्टाइल में लपेट दो। हैं ठीक है भैया। तो ये मिर्ची वड़ा बन रहा है जी, बनाओ भैया। ये मिर्ची है भैया, तीखे वाली मिर्ची होती है ना, या इसमें इतनी तीखी नहीं होती है? अच्छा, ये तीखी नहीं होती है इतनी, इसमें यही मिर्ची यूज होती है, कोई दूसरी भी कर सकते हैं, मतलब तीखे वाली भी, जिसको ज़्यादा तीखा खाना हो तीखे वाली यूज़ करें। और ये इसको अच्छे से कर दिया जी फ्राई। तो ये हो गया जी अच्छे से फ्राई। अब ये मतलब एक बारी में फ्राई होती है, दोबारा भी दोबारा डाले जाएंगे? बस एक बारी। यहाँ हम बना रहे हैं जी जलेबी, ये देखिए जनाब, गोल गोल जलेबी, गर्मा गर्म जलेबी यहाँ पे बनती है। और ये देसी घी में बनाते हैं भैया ना, देसी घी में बनती है भाई जलेबी। और इस साइड आप दे सकते हैं जी, ये है इनकी चाशनी, ये है जी चाशनी। जलेबी जब अच्छे से क्रिस्पी हो जाते हैं तब इसके अंदर जाते हैं, ताकि वो अच्छे से मीठा उसमें रच जाए, अंदर तक रस भर जाए उसके। अब ये गोल्डन होने तक फ्राई करनी है। ये होगी जी जलेबी रेडी। अरे वाह, बहुत बढ़िया। तो अब चलता हूँ जी अंदर, दिखाता हूँ इनके पास और क्या क्या चीज़ें हैं। मिठाई, स्पेशल मिठाई के लिए आया हूँ, क्योंकि दिवाली को त्यौहार चल रहे हैं भाई, और त्यौहार पे ये सब होना तो ज़रूरी है। ये देखिए जनाब, ये मतलब काफ़ी यूनिक जो है मिठाई है इनके पास, काजू इंदरपुरी और काजू पान, मतलब ऐसी बहुत सारी मिठाई आप देख सकते हो यहाँ पर रखी हुई हैं। बूंदी वाले लड्डू भी हैं, सिंपल भी है, बर्फ़ी भी है, कलाकंद भी है, और भी बहुत सारी मिल्क केक, ये आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डोसा जो है हमारा लग चुका है जी, डोसा है, और ये है जी सांभर। और आप डोसा देख सकते हो, मतलब ट्रायंगल में जो है इन्होंने फोल्ड किया हुआ है, और फोल्ड करने के बाद भी इसका साइज़ इतना बड़ा है, तो मतलब आप जिस बंदे ने खाया है इतना बड़ा डोसा, तो मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताए। ठीक है, और ये है जी वो नारियल की चटनी, और ये है जी अंगूरी रबड़ी। और सही बताऊँ, इसमें वैसे अंगूर का कहीं यूज़ नहीं है, इसका सिर्फ नाम ही अंगूरी रबड़ी है। और वो किस लिए है, इसका नाम ये है जी वो अंगूर, मतलब जो छोटे साइज़ का अंगूर वाले साइज़ का जो रसगुल्ला होता है ना, वो होता है इसके अंदर, इसलिए इसका नाम जो है अंगूरी रबड़ी पड़ा है। ठीक है, तो इसको भी ट्राई करेंगे जी। और इस साइड है जी जो मैंने अभी आपको वीडियो में दिखाया जी, मिर्ची वड़ा। ये देखिए भाई साहब, ये है जी मिर्च, और इसमें जो तीखे वाली मिर्च होती है वो यूज़ नहीं होती, वो इतनी तीखी नहीं होती ना भैया, ये मिर्च बिल्कुल भी तीखी नहीं होती, सिर्फ इसका नाम ही मतलब मिर्ची वड़ा है, तो ये इतना तीखा है नहीं। ये है जी डोसा, इतने बड़े साइज का। ये सांभर, अच्छा इंद्री में और कोई भी बनाता है डोसा या आप ही बनाते हो? आप ही बनाते हो ना, तो अगर इंद्री वालों को अगर डोसा खाना है तो वो यहाँ आ सकता है, क्योंकि पूरे इंद्री में कहीं डोसा नहीं मिलता, सिर्फ यहीं मिलता है। तो
ये ट्राई करते हैं जी, क्योंकि वीडियो में लोग इसका इंतज़ार ज़्यादा कर रहे होंगे क्योंकि काफ़ी यूनिक आइटम है। ये देखिए, मतलब ये मुंह में डालते ही एकदम गायब हो जाता है, घुल जाता है, मुंह में जाते ही। बीकानेर मिष्ठान भंडार, और इसकी लोकेशन मैं बता देता हूँ जी, इंद्री हरियाणा में है, और ये आप देख सकते हो, ये है जी सरकारी हॉस्पिटल रोड है।